नमस्कार दोस्तों, मैं पप्पू सर आपके अपने यूट्यूब चैनल PhD क्लास में स्वागत है। दोस्तों अभी का ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, खुशखबरी निकल के आ रही है, बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जिसका इंतजार आप लोग कर रहे थे वह समय आ चुकी है। फाइनली विभाग की तरफ से नोटिस आउट हो चुकी है एग्जाम के रिगार्डिंग और एडमिट कार्ड की रिगार्डिंग, जो कि डाउनलोड करके इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर अपने चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन ऑन करिएगा डेली बेसिस से सही वीडियो पाने के लिए। दोस्तों वीडियो में बने रहिए, चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। नोटिस में क्या दिया गया है, एग्जाम कब होगा, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो रही है, आप वीडियो में बने रहिए। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अमीन काननगो ASO लिपिक, एडमिट कार्ड आउट 25 जुलाई को होगा परीक्षा, बाप रे इतना कम समय। तो दोस्तों चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आपको ऑफिशियल जो नोटिस विभाग की तरफ से जारी किया गया है, सबसे पहले आपको नोटिस दिखाते हैं जो एग्जाम कब हो रही है, कब से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हो रहा है, आप वीडियो में बने रहिए। देख लीजिए दोस्तों, जो कि अभी ही अपडेट किया गया है, थोड़ा दिन पहले ही वेबसाइट पर आया है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार, जो कि रात ही वीडियो बनाए थे, हम आपको बोल दिए विभाग कभी भी आपको लेटर जारी कर सकती है। नोटिस आ चुकी है, देख लीजिए विज्ञापन संख्या ऊपर में दिया हुआ है, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा के आधार पर पैनल निर्माण से संबंधित सूचना। सुधी देख लीजिए, सुधी पत्र राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा CBT से संबंधित अभ्यर्थियों सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार सरकार भू अभिलेख एवं परिमाप निर्देशालय के अधीन विशेष सर्वेक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मानदेय आधारित संविदा पदों पर नियोजन हेतु विवरण पुस्तिका की खंडिका 2-4 में टंकन भूल के कारण प्रत्येक सही उत्तर के लिए +4 अंक तथा 4 गलत उत्तर के लिए 1 अंक होंगे अंकित हो गया है, जैसे कि संशोधित करते हुए प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 आपको +4 एक सही हुआ तो 4 अंक मिलेगा और 4 को गलत हुआ तो 1 नंबर आपको काट लिया जाएगा, अंक तथा 1 गलत उत्तर के लिए -1 अंक होंगे, संशोधित किया जाता है। विवरण पुस्तिका को इस हद तक संशोधित समझा जाए, विवरण पुस्तिका की अन्य सूचनाएं एवं शर्तें यथावत रहेगी। संशोधित विवरण पुस्तिका परिषद के वेबसाइट पर देख लीजिए, वेबसाइट भी दिया हुआ पर अपलोड कर दिया गया है नोडल प्राधिकारी। दोस्तों इसको डाउनलोड करके भी आप पढ़ सकते हैं, इसको अभी वेबसाइट पर डाला गया है, एक बार डाउनलोड करके पढ़ लीजिए। हम आपको पहले ही बता दिए थे नोटिस आपको देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों देख लीजिए नोटिस आ चुकी है, बहुत जल्द आपको दूसरा भी नोटिस देखने को मिलेगा जिसमें यह इंक्लूड रहेगा, एडमिट कार्ड इस दिन से आएगी और एग्ज़ाम इस डेट को होगा, जो कि पहले हम आपको बता चुके हैं एग्ज़ाम कब होगा। तो आई होप कि अभी जो अपडेट आई है आपके बीच हम इस वीडियो में बताए हैं, आई होप कि आप समझ गए होंगे। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर और नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए, जैसे ही विभाग की तरफ से कोई भी अपडेट आएगा वीडियो बनाएंगे आपके पास, नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू।